भाजपा द्वारा शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल द्वारा आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर में मुख्य रूप से भाजपा भोपाल के अध्यक्ष सुमित पचौरी, सतीश विश्वकर्मा, देवेंद्र योगी, दीपेश यादव, तिलक जोगी, अनिल शिकरे, शुभम नायक, अनीश खान, रामस्वरूप पाल, मनोज साहू, संजू गोस्वामी, शेलू खंडेलवाल, गणेश शाक्य, अरविंद सिंह, भाजपा के आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज सर भगत जी की जयंती है, आप युवाओं का संदेश देना चाहेंगे? आज हम सबके प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और आज उनकी जयंती पे सभी युवाओं को यही संकल्प लेना चाहिए, जिस ध्येय को लेकर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और वो एक शेर कहा करते थे कि लिख रहा हूँ एक आगाज़ जिसका अंजाम कल आएगा, और मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ ये वादा है मेरा, मेरे वतन पर मरने वालों का जनसैलाब आएगा। इसलिए नई पीढ़ी भी अपनी चिंता करे, अपने परिवार की चिंता करे, यह उसका अधिकार है, परंतु भारत माता की चिंता करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए नई पीढ़ी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व निसावत करे। आप भाजपा में अब इस विषय पे तो लगातार संघ और संगठन भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर सावरकर जी हो, स्वामी विवेकानंद हो, नई पीढ़ी को इनके बारे में पता होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसलिए इस विषय में लगातार प्रयास चल ही रहा है कि नई पीढ़ी को इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा और अपने उन पूर्वजों के बारे में पढ़ के आगे भविष्य में देश की सेवा किस प्रकार से करते हैं उसके लिए तत्पर तैयार रहना पड़ेगा।